क्योंकि 22 तारीख को ईद की सुबुगाहट है, तो संभवतः उस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने 23 के कार्यक्रम को 30 तारीख को करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख को राज्यव्यापी कार्यक्रम होगा, सामाजिक न्याय मार्च, पूरे राज्य के लोग, पूरे राज्य के संगठन के लोग, आवाम को लेकर हम लोग राजधानी में सड़क पर उतरेंगे। इस राज्य में हम लोगों ने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, हम लोगों ने इस राज्य के में जातीय जनगणना, सारना कोर्ट से लेकर जो भी 7 मुद्दे जिसको हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, इन मुद्दों को लेकर सड़क में उतरने का निर्णय लिया है। पार्टी के नेता ने ये बात उठाया है कि उन्हें आरक्षण माने जातीय जनगणना देश में होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले, हाँ मैं उस कांग्रेस के नेता, मैंने कहा अभी ये बहुत अच्छी बात उन्होंने, चलो देर सबेर की, हम ये नहीं जाएंगे कि 65 साल के शासन में चर्चा क्यों नहीं हुआ, जैसा लोगों का आचरण होता है बात करने का। लेकिन आज मैं यही कहूँगा कि स्टेट में एक मौका है, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले हेमंत सोरेन जी से बात करके सबसे पहले जातीय जनगणना हमारे प्रदेश में भी, जैसे बिहार में चल रहा है, जैसे कर्नाटका ने किया, जैसे एमपी कर रहा है, जैसे अपना उड़ीसा कर रहा है, उसी तरह इस राज्य में भी जातीय जनगणना कराए, यही सबसे बड़ी डिमांड करते हैं। उनको संभालने के लिए, उनको रोकने के लिए कर रहे हैं। कोई भी छात्र इसलिए नहीं आता कि आज उनका रिश्ता तो किताब, यूनिवर्सिटी, उनकी पढ़ाई तैयारी से होनी चाहिए। इस राज्य की नीतियाँ और नीतियों के कारण आज छात्र सड़क पर खड़े हैं। पूर्णतः राज्य सरकार की नाकामी है और राज्य सरकार ने अपने वायदों को पूरा नहीं किया, फेलोटी है उनका, फेल्योर है वो अपने निर्णय लेने में, और अलग अलग समय पर अलग अलग डिजाइन से गुमराह करने का काम राज्य के नौजवानों को कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।